नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक कहानी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हो विराट कोहली के करियर की वो टॉप 5 सुपर बेस्ट पारियां जो उन्हें द गॉड ऑफ क्रिकेट, द किंग ऑफ क्रिकेट बनाती है। नंबर 5, दोस्तों 24 दिसंबर 2009 में इसी दिन किंग कोहली के बल्ले से वनडे में उनके करियर की फर्स्ट इंटरनेशनल सेंचुरी निकली थी श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ इस ओडीआई मैच में टीम इंडिया 316 रनों के टारगेट को चेस कर रही थी, लेकिन इंडियन टीम की शुरुआत ही दोस्तों स्टार बैट्समैन सचिन और सहवाग के जल्दी विकेट गिर जाने से होती है, वो भी चौथे ओवर में ही केवल 23 रन पर। इसके बाद दोस्तों गौतम गंभीर और 21 साल के विराट कोहली टीम इंडिया की कमान संभालते हुए और रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करते हुए दोनों शानदार पारी खेलते हैं और टीम को जीत के करीब ले जाते हैं। जहां गौतम गंभीर दोस्तों 9 आउट 137 गेंदों में 150 रनों की पारी खेलते हैं, वहीं विराट कोहली भी उनका अच्छा साथ देते हैं 107 रनों की पारी खेलकर 114 गेंदों में। और ये किंग कोहली की दोस्तों पहली अंतरराष्ट्रीय शतकीय पारी थी जो कि काफी स्पेशल है विराट कोहली के लिए। नंबर 4, दोस्तों इस स्पॉट पर विराट कोहली की 71st सेंचुरी वाली पारी आती है। दोस्तों विराट कोहली की सेंचुरी का बेसब्री से इंतजार दुनिया भर में उनके फैंस कर रहे थे, क्योंकि इस 71st सेंचुरी से पहले ऑलमोस्ट 3 सालों से विराट कोहली अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला था। यानी कि जिस तरह रेगिस्तान में पानी का सूखा रहता है, उसी तरह इन वर्षों में विराट कोहली के शतकों का सूखा भी चल रहा था। फिर दोस्तों एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ सभी फैंस का इंतजार खत्म होता है और किंग कोहली अपने फॉर्म में वापस लौटते हैं पूरे 1021 दिन और 83 पारियों के बाद। दोस्तों एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट इस मैच में शतकों के सूखे को खत्म करते हुए अपने करियर की 71वीं इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ देते हैं, वो भी केवल 61 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से 6 छक्के 12 चौके लगाकर विराट 122 रनों की 9 आउट पारी खेलते हैं। इस सेंचुरी से पहले विराट कोहली पर जो फिनिश चौकली जैसे ट्रेंड चल रहे थे सोशल मीडिया पर, वो इस 71st सेंचुरी के बाद किंग इज बैक, द गॉड, ऐसे ट्रेंड्स में बदल जाते हैं। नंबर 3, दोस्तों विराट कोहली को चेस मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विराट कोहली चेस करने में सबसे सफल प्लेयर है। ऐसे दोस्तों एक तूफानी पारी विराट कोहली के बल्ले से निकलती है चेस करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 2012 एशिया कप में। दोस्तों इस मुकाबले में इंडिया पाकिस्तान के 330 रनों के ह्यूज टारगेट को चेस कर रहा था। इस मुकाबले में ओपनर गौतम गंभीर के जल्दी आउट हो जाने के बावजूद प्रेशर वाली सिचुएशन से ना सिर्फ विराट कोहली ने टीम इंडिया को निकाला बल्कि एक तरफा ये मुकाबला भी जितवा दिया। दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली पाकिस्तान बॉलर्स की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ 148 गेंदों में 22 चौके और एक छक्का लगाकर 183 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। दोस्तों ये पारी उस मौके पर आई थी जब दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की आंखों में आखिरी बार गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर को नीली जर्सी में देखने के आंसू थे। यानी कि दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर का लास्ट ओडीआई मैच था। दोस्तों इस इमोशनल दिन को किंग कोहली ने अपनी शानदार 183 रनों की पारी से यादगार बना दिया था। नंबर 2, दोस्तों दूसरे स्थान पर विराट कोहली के टेस्ट करियर की सबसे बड़ी पारी आती है। दोस्तों ये पारी ना ही शतकीय पारी थी, ना ही दोहरा शतकीय पारी थी, बल्कि 254 रनों की नाबाद खेली गई पारी थी जो कि दोस्तों साल 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट मैच में आई थी। दोस्तों इस पारी के चलते ही विराट कोहली के नाम एक भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी टेस्ट पारी खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया था। दोस्तों किंग कोहली की इस टेस्ट की बेस्ट पारी के बदौलत ही टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये टेस्ट मैच एक इनिंग के बाकी रहते हुए 137 रनों से जीत लिया था। नंबर 1, दोस्तों विराट कोहली के लंबे क्रिकेटिंग करियर में उनकी सर्वश्रेष्ठ पारियां वैसे तो अनेक है, लेकिन सबसे बेहतरीन पारी T20 वर्ल्ड कप 2022 इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हमें देखने को मिली थी। दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में किंग कोहली ने इंडियन टीम को अकेले दम पर एक इम्पॉसिबल जीत दिलाई थी। दोस्तों पाकिस्तान के 160 रनों के टारगेट को चेस करते हुए इंडिया ने अपने शुरुआती 4 विकेट 31 रन पर खो दिए थे और ऑलमोस्ट ये मैच पाकिस्तान के पाले में चला गया था। ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन से टीम इंडिया को बाहर निकालकर विराट कोहली ने नाबाद रहते हुए दोस्तों 53 गेंदों में 82 रनों की पारी खेली और 4 विकेटों से भारतीय टीम को ये मैच जितवाया। दोस्तों इस शानदार पारी को भारतीय फैंस तो क्या दुनिया का कोई भी क्रिकेट प्रेमी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इंडियन टीम के कॉलेज हो जाने के बाद विराट कोहली ने अंत तक टिककर पाकिस्तान पर जिस तरह से पलटवार किया
उससे ये पारी विराट कोहली के करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी बन जाती है। तो दोस्तों ये थी विराट कोहली के करियर की टॉप 5 सुपर बेस्ट पारियां। आपकी इनमें से सबसे फेवरेट पारी कौन सी है मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।